कच्छ जिला रापर पुलिस द्वारा वागड़ विस्तार के मुख्य बाजार विस्तार में बिन आयोजन गैर कानून कर्तव्य से पार्किंग के खिलाफ लाल आंख करते हुए कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया गया। कच्छ जिला रापर पुलिस द्वारा स्टेशन विस्तार के प्रोबेशन डीवाई एसपी पी जे रेणुका, पुलिस इंस्पेक्टर सहित ट्रैफिक विभाग द्वारा आज वागड़ विस्तार के मुख्य मथक पर बिन आयोजन तथा ट्रैफिक को अवरोध रूप ऐसी पार्किंग व्यवस्था को दूर करते हुए आज कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया गया, जिसमें रापर शहर के एसटी बस स्टेशन से लेकर देना बैंक चौक, सोलारी नाका, प्रागर चौकड़ी बगीचा के पास, खोड़िया मंदिर रोड, त्रंबो चौकड़ी, माली चौक, भूतिया कोठा रोड सहित के विस्तार में बिन आयोजन तथा गैर कानून पार्किंग करते वैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें 29 जितने वाहनों को डिटेन करते हुए स्थल पर ही आरटीओ के तहत 1,18,900 रुपए का दंड भी वसूलात किया गया, जिस कई वाहनों के 65 जितने वाहनों की हवा भी दूर करते हुए यहां पर काले पिक्चर दर्शाने के साथ तमाम को भी डिटेन किया गया था। जाहिर सी बात है कि गैर कानूनन पार्किंग व्यवस्था बढ़ाते हुए ये तमाम गैर कानूनन पार्किंग आए दिनों ट्रैफिक को काफी अड़चन रूप साबित होता था। ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या के बीच ट्रैफिक जुम्बेश पुलिस द्वारा ये अभियान जारी किया गया है।